दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही रेयर और एग्रेसिव जो एक डिसऑर्डर होता है उसके बारे में बताऊंगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहा हूँ। उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट किया था मेरे से कि इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाएं, तो उस हिसाब से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है या जो डिसऑर्डर है, ये है इम्यूनो थ्रम्बोसाइटोपेनिक परपूरा, ITP भी इसको कहते हैं। तो ये जो एक है, ये इम्यून डिसऑर्डर होता है जो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है, जिसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, ये जिनको थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और उसके अलावा जो है, क्योंकि ये इम्यून डिसऑर्डर है, जो एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है, जब एंटीबॉडीज़ गलती से मिस्टेकनली जो है हमारे प्लेटलेट्स होती हैं, थ्रम्बोसाइट्स होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो बहुत कम हो जाता है। और उसके बाद क्या है, जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर जो फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर रप्चर हो जाती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे स्किन के अंदर जो है कुछ स्पॉट पड़ जाते हैं, जैसे वो रेडिश भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं या ब्लूश भी हो सकते हैं। तो इसी कंडीशन को परपूरा कहते हैं। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो है इम्यूनो थ्रम्बोसाइटोपेनिक परपूरा। इस टॉपिक को समझने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो ही मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, ITP या इम्यूनो थ्रम्बोसाइटोपेनिक परपूरा, इसको एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो इंटरनल ब्लीडिंग से होती है। ब्लीडिंग इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं थ्रम्बोसाइट्स, जो हमारा ब्लड होता है उसमें WBC RBC के साथ में एक और सेल्स होते हैं जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं, और ये जो थ्रम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स होते हैं, इनका जो फंक्शन होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जो ब्लड कहीं पर भी आपके चोट लगती है तो वहाँ पर जब ब्लीडिंग होने लगती है तो जो थ्रम्बोसाइट जो सेल्स होते हैं वो वहाँ पर एक तरह का जाल बना के और वहाँ पर जो है क्लॉटिंग का काम करते हैं और आपका जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, एक रेयर जो कंडीशन है, डिसऑर्डर जो है, ये रेयर बहुत कम लोगों में होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो आपके प्लेटलेट्स को जो है डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। जो भी एंटीबॉडी किसी प्लेटलेट्स को कैरी करेगी वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे जो प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो बहुत कम होने लगता है। ये जो कंडीशन होती है ये किसी भी एज में हो सकती है, बच्चों में खास तौर से जब ये होती है तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बच्चों में कुछ टाइम तक ये प्रॉब्लम अपने आप उसके बाद ठीक हो जाती है, कुछ टाइम तक रहती है प्रॉब्लम, उसके बाद जो भी सिम्टम्स हैं वो अपने आप रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, उसमें जो ये है कंडीशन बहुत सीवियर भी हो जाती है और उसमें जो है बहुत लंबे टाइम तक चलती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जो मेन सिम्टम्स होते हैं उसमें एक तो ब्लीडिंग होगी, जिसको ये प्रॉब्लम होगी, ITP की प्रॉब्लम होगी, तो प्लेटलेट्स काउंट जब कम होगा तो जो ब्लीडिंग है वो होने के बहुत से चांस उसमें रहते हैं। अगर कहीं पर भी चोट लग जाती है कहीं से ब्लीडिंग, तो वो आसानी से रुकेगी नहीं, और वहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग उसको होगी, नाक से या फिर उसके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स का देखा गया है कि उनके यूरिन और स्टूल में भी जो है ब्लड आने लगता है, और जो लेडीज़ होती हैं उसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इससे और भी कंडीशन जो है उनकी बहुत ही सीवियर हो जाती है। कुछ लोगों में जो है जो स्प्लीन होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है, और जो मैंने बताया था इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से क्या है, जो स्किन होती है उसके अंदर रैशेस पड़ जाते हैं, ब्राउन कलर, रेड या ब्लू कलर के, जो स्किन के अंदर जो वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं प्लेटलेट्स कम होने की वजह से, और वहाँ पर खून जमने की वजह से निशान पड़ जाते हैं। और जो टांगों पे ये इस तरह की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं।
कुछ ऐसी दूसरी भी बीमारी होती हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अगर किसी को HIV वायरस है, कोई भी इंसान या कोई भी पेशेंट HIV वायरस से इन्फेक्टेड है, या उसको हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस वायरस से वो इन्फेक्टेड है, या उसके अलावा एच पायलोरी जो एक बैक्टीरिया होता है उसका कहीं इन्फेस्टेशन हो जाता है, तो ऐसे लोगों में ये इस तरह का डिसऑर्डर हो जाता है। या जैसे मैंने बताया था, बच्चों में अगर वायरल कोई फीवर हो, वायरल इन्फेक्शन के बाद इस तरह की कंडीशन हो जाती है, तो ये कुछ इसके कॉज रहते हैं। और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो अपने आप ही जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो ये एक रेयर लेकिन बहुत ही एग्रेसिव एक तरह की प्रॉब्लम है। जिसको ये प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं। अगर किसी को प्रेगनेंसी के टाइम में किसी भी लेडी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो डिलीवरी के टाइम में जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उसको होने के चांस रहते हैं, जिससे जो है उसकी एक लाइफ थ्रेटनिंग उसके लिए साबित हो सकती है। उसके अलावा जो बहुत ही सीवियर कंडीशन इसमें हो जाती है, जब इंटरनल ब्लीडिंग जो है, और इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से अगर ये कहीं पर आपके दिमाग में इस तरह का रप्चर हो जाए, वहाँ पर कोई भी वेन, या वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाए और आपके दिमाग में जो है प्रॉपर ब्लड की सप्लाई रुक जाए, वहाँ पर नहीं हो, तो इससे भी जो है कोमा में पहुँचना और उसके अलावा उससे मौत तक हो जाती। तो इस तरह की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस, और उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट कराना, टाइम पर कराना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा गया या इसके ऊपर गौर नहीं करा गया स्टार्टिंग में, तो ये आगे चल के लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छी मेडिसिंस आती हैं जो इस तरह की कंडीशंस को जो है ट्रीट करने में और उसको कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सिम्टम्स के हिसाब से वेरी करता है, एज के हिसाब से वेरी करता है, और इंटरनल जो भी जिस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छे चांस रहते हैं। बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती हैं और इसको जो है क्योर भी कर सकती हैं।